इस्लाम के जो उसूल है वो जिंदान है, वो जिंदान नहीं है, वो कैद नहीं है, वो आजादी है। मुझे किसी बच्ची ने लिटरेचर से भेजा, पूरा नहीं पढ़ पाया मैं, तो मान साहब आप आजादी की बातें करते हैं, आजादी ऐसे ही मफहूम है, हकीकत नहीं है। कहा कि कैसी आजादी, कहा मैं अपने बदन में कैद हूं, अगर फिजिकल जो लॉज हैं, मेडिकल लॉज हैं, मैं उनको फॉलो नहीं करूं तो मैं मरीज हो जाऊंगी। हवा कहाँ आजाद है? बहरहाल वो बच्ची जा रहे हैं, आजकल के माशरे के अंदर बच्चे जो पल पड़ रहे हैं उनके, बहुत अच्छी बात है बच्चे अगर अच्छा सवाल करें और ये वो। असल आजादी इस बदन की नहीं है जाने मोहतरम, बदन हो सकता है 7 साल 14 साल कैद हो, नफ्स आजाद होना चाहिए, नफ्स आजाद हो। कोई आपके बदन को कैद कर ले, कोई आपके चीजों को पकड़ ले, मगर करबला के वाकये के बाद जिनको असीर बनाया गया वो असीर थे, दुश्मन समझा कि मैं इनको जिंदान में लेके जा रहा हूं मैं इनको, मगर वो कैद थे। उन्होंने तो पूरी दुनिया को आजाद करवाया है, कयामत तक की यजीदियत के नया निजाम से उन्होंने आजाद कराया, वो आजादी इसे कहते हैं। हमारे पास आजादी की डेफिनेशन नहीं है, हम समझते हैं कि आजादी क्या है, कि कोई कैद ना हो, खातून जो दिल चाहे करे, आज की बच्ची जो दिल चाहे करे, जवान जो चाहे करे, इसी आजादी के शौक में तो ये वेस्ट जाता है कि वहां कुछ भी कर लो, सड़कों में कुछ भी कर लो। मौलाना साहब हमें ज़ाहिर दुनिया में मजलिस पढ़ने जाते हैं, लोगों के जहन में कुछ और है वेस्ट, जो जाता है उसे पता चलता है। सुनहरी जिंदान है, सुनहरा है लेकिन जिंदान है, उड़ नहीं सकते, फंसे हुए हो, लगता है कि आजादी है मगर क्या आजादी है? इंसान तनजुली की तरफ है, इंसान तबाही की तरफ है। गैरत नहीं है माशरे में, हुर्रियत नहीं है माशरे में, इज्जत नहीं है माशरे में, कुछ भी तो नहीं है माशरे के अंदर। हमें लगता है कि बहरहाल इंसान अगर लुफ्त हो जाए लिबास से जो खोल दे तुम्हारी आजादी है, तो फिर तो जानवर सबसे ज्यादा आजाद है दुनिया के अंदर। अल्लाह ने अपने अंबियाओं को क्यों भेजा कि इन्हें हकीकी आजादी दे, किससे? जहन्नुम की आतिश से। अजीजानुम जहन्नुम की आतिश से आजादी के लिए 1,24,000 उतारे उसने, मगर जितने भी आए किसी ने ये नहीं कहा कि हमें मानो, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह।